ये वो मुहिम है जिससे कम होंगे बेरोजगार, ये वो स्कीम है जिससे कईयों को मिलेगा रोजगार। बेरोजगारों के लिए आगे बढ़कर आई है सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया है विचार, अब बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। ज्यादातर युवा परेशान रहते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलता। वो अच्छी शिक्षा तो ले लेते हैं लेकिन उचित नौकरी नहीं पा पाते। लेकिन जरा सोचिए कि रोजगार का नाम केवल नौकरी पाना ही है? आप खुद भी रोजगार कर सकते हैं और दूसरों को नौकरी देने वाला भी बन सकते हैं। मार्च 2021 में पहुंच चुके हैं और इस समय यदि हमें रोजगार करना है तो हमें थोड़ा हटकर विचार करना होगा, एक सटीक प्लान बनाना होगा। सटीक प्लान के साथ साथ जिस तरह का हम रोजगार करना चाहते हैं उसमें प्रशिक्षण लेना होगा और इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ हमें आर्थिक सहायता की भी जरूरत होगी। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए सटीक प्लान, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के बिना रोजगार शुरू करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। तो आप किसी अन्य चीज़ों के, किसी अन्य योजनाओं के छलावे में ना आए, एक नई योजना पर ध्यान दें जो सरकार आपके लिए लेकर आई है। इस योजना में आपको निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा, साथ ही ट्रेनिंग के दौरान आपको मुफ्त खाना पीना और रहना भी मिलेगा। इस बारे में हमने यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं उनसे बात किया, जरा सुनिए। ये वो तमाम लोग हैं जो रोजगार की तलाश में भटकते हैं और उनको मौका देने वाला अगर कोई संस्थान है तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्वरोजगार प्रशिक्षण कराया जाता है और रोजगार योग्य बनाया जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। तो यहाँ तमाम जो महिलाएं आप देख रहे हैं ये लोग रोजगार की ओर अग्रसर हैं और ये तैयार हैं अब कि अब इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है और अब इन्हें रोजगार करना है, बैंक इनकी पूरी सहायता करेगा। तो इनके सपने क्या हैं, क्यों यहाँ पर हैं और इनका एम क्या है, ये भविष्य में करना क्या चाहती हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सपना गुप्ता है। आप यहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रही हैं? ब्यूटीशियन का। ब्यूटीशियन की ट्रेनिंग कर रही हैं। तो किसी तरीके का यहाँ फीस लगता है? नो। बिल्कुल निःशुल्क है। और आपकी प्लानिंग क्या है कि आगे भविष्य में चल के जब ट्रेनिंग आपकी कम्प्लीट होने वाली है तो क्या करेंगी आप? सर वही अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। ब्यूटिशियन का कहीं आप जॉब करेंगी या खुद का एक आप इस्टेब्लिशमेंट चाहती हैं, क्या चाहती हैं? पहले तो हम जॉब के लिए कुछ जॉब करेंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रही हैं इसको कैसा है, क्या आपको इतना ट्रेंड हो चुकी हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी? यस सर, ट्रेनिंग अच्छी दी जाती है यहाँ पे, बहुत कुछ हम लोग सीखे यहाँ पे आके। तो बैंक की तरफ से आप लोगों को कुछ ये भी बताया गया कि यदि आप अपना खुद का कोई एस्टेब्लिशमेंट करना चाहें, खुद की शॉप ओपन करना चाहें तो उसमें बैंक मदद करेगा आपका? यस सर, हम लोग बैंक से बताया गया। यस सर, जो भी हम लोग मतलब उसमें जो भी सपोर्ट हम लोग चाहें मिल सकता है उधर, यहाँ बैंक की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं जी, क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता जी, बताएं। हाँ, यहाँ पे जब हम संस्था में आए पहली बार तो हमको लगा कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से मतलब सीखें और बहुत चीज सीखें यहाँ पे। मतलब पहले से मैं कहीं और सीखी थी लेकिन वहाँ से हमको बेहतर यहाँ पे लगा, बेहतर लगा, बहुत बेहतर लगा। क्योंकि मतलब जो मैम हमारी हैं हम लोग को इस तरह से सिखाती हैं कि मतलब उस चीज़ को हम बहुत जल्दी सीख जाएं, और सीख चुके हैं, एक महीना में बहुत कुछ ही हम लोग सीख चुके हैं। और एक एक ट्रस्ट लेवल होता है कि जब आप कहीं ट्रेनिंग करने जाते हैं और अगर आपको कोई रोजगार का वादा करता है कोई आपसे, आपको आपके भविष्य में कुछ अच्छा करने का वादा करता है, तो आप सोचते हैं कि मैं उस संस्थान में जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं मैं जाऊं कहीं मुझे चीट ना कर दिया जाए, कहीं कुछ ना कर दिया जाए, इस तरह की बहुत सारे ख्याल आते हैं रोजगार को लेकर। तो यहाँ के बारे में आपके क्या ख्याल है? यहाँ के बारे में हमारा ख्याल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को सपोर्ट किया जाता है, हर चीज़ का हम लोग को फैसिलिटी दिया गया और
सर लोग का पूरा सपोर्ट रहता है कि अगर हम चाहें कि अपना अगर हम शॉप खोल सकते हैं तो उसके लिए मतलब सर लोग हम लोग का सपोर्ट करेंगे। एक बड़े ब्रांड की तरफ से ये स्कीम चलाई जा रही है, एक बड़े ब्रांड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर करता होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये ट्रेनिंग सेंटर है तो बेहतर होगा और हमें बेहतर मदद मिल सकती है, ऐसा भी कुछ ख्याल आ रहा है? जी सर, बेहतर मदद मिल रहा है और मिल सकता है। मेरा नाम निधि कुशवाहा है, मैं यहाँ की ट्रेनर हूँ ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट की, और यहाँ पे हम लोग लड़कियों को काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाते हैं ताकि ये लड़कियाँ यहाँ से सीख करके अपना शॉप खोल सकें और अपने अपने आप पर आत्मनिर्भर वो हो सके, और यहाँ से जो ट्रेनिंग वो लेती हैं उसको लेने के बाद वो अपना जो शॉप खोलती हैं वहाँ पर भी वो कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत एक सपना नहीं, वो सच है जो तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीरें हैं जहाँ आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से महिलाएं ब्यूटिशियन का कोर्स कर ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेकर एक्सपर्ट बन रही हैं और रोजगार योग्य बन रही हैं, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं और उनकी पूरी मदद बैंक भी करने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जितनी महिलाएं और लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं वो सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं, और सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद वो भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम किरण सिंह है और रेवतीपुर ब्लॉक से मैं उतरौली गांव से आई हुई हूँ। अच्छा, और रेवतीपुर ब्लॉक से आप आई हुई हैं यहाँ से, तो कैसे यहाँ रहती कहते हैं? सर यहाँ पे जो हमारी संस्थान का जो है हॉस्टल भी अवेलेबल कराया गया है जहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ हमें दी जाती है। इस कोर्स को, इस प्रशिक्षण को करने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क लगता है? नो सर, कोई शुल्क नहीं है। हॉस्टल में रहती हैं, कोई शुल्क लगता है? नो सर। हम आमतौर पे देखते हैं कि शहरों में या गाँव में तमाम संस्थान आती हैं, प्राइवेट संस्थान होती हैं, और इस तरह के वादे युवाओं से या महिलाओं से किए जाते हैं कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग कीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। कई खबरें भी हमने अखबारों में पढ़ी हैं कि ऐसी संस्थानें पैसे लेकर फरार भी हो जाती हैं, उन युवाओं के साथ धोखा भी हो जाता है। तो किस तरह की श्योरिटी है इस संस्थान में कि यहाँ के जो यहाँ महिलाएँ हैं या जो युवा हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे? यहाँ पे जितनी फैसिलिटी दी गई है ये निशुल्क हैं। यहाँ पे एडमिशन फीस से लेके रहने का हर चीज़ें जो हैं फ्री में निशुल्क सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, और ये यूनियन बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया गया। कोई प्राइवेट मतलब सेक्टर नहीं है कि जिसके लिए आपको क्लेरिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि किस संस्था से जुड़ा है, इसलिए ये खुद में ही एक ब्रांड है कि यूनियन बैंक से जुड़ा हुआ है, और लड़कियों को हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है जिससे यहाँ पे मतलब हम लोग का ले के नहीं काम रहता, हम लोग को देने का काम है, ये देने का ही काम है। ट्रेनिंग देना है, ऋण देना है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जो यहाँ देखने को मिल रही हैं कि निशुल्क प्रशिक्षण, निशुल्क हॉस्टल, आप आइए, रहिए, खाना खाइए, ट्रेनिंग लीजिए और आत्मनिर्भर बन जाइए। स्वरोजगार करना है, अपना रोजगार करना है, बैंक आपको पैसा देगा, आप अपना रोजगार करिए। तो ये किस तरह का कार्यक्रम है? सर आज बीसी सखी का कार्यक्रम चल रहा है, ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक मिशन है महिला सशक्तिकरण, और उसमें महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना है, पुरुष के बराबरी करना है और उसे आगे आना है। तो जब महिला साक्षर होगी, शिक्षित होगी और संपन्न होगी तो अपने के साथ साथ अपने परिवार को भी जो है जीवन यापन का बेहतर साधन बनेगी। तो सरकार की जो मंशा है, ट्रेनिंग किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण है, इसमें हम बैंकिंग से संबंधित, इनके गतिविधियों से संबंधित, बैंक से कैसे लेन देन होगा उससे संबंधित, क्या क्या आम आदमी को परेशानी होती है, तो बैंक और पब्लिक के बीच एक कड़ी का काम करेगी आप बीसी सखी। और 7वें दिन हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे जो IIBF के जरिए होता है, इनका सर्टिफिकेशन होगा और फिर सरकार के हिसाब से इनको जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलेगी। किस तरह से इनका चयन होता है? चयन जो है जुलाई 2020 में इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया था और इसके हिसाब से ये एक ऑनलाइन एग्जाम दी थी। ये क्राइटेरिया है, मिनिमम 10 पास होना चाहिए, इनके पास जो है एक मोबाइल होना चाहिए मल्टीमीडिया, इनको बोलना चलना और उससे संबंधित जो है गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, और उस गतिविधि के आधार से इसको इनका चयन हुआ था ऑनलाइन। तो किस तरह की आर्थिक सहायता इनको मिलेगी? इनका फिलहाल जो सरकार की मंशा है वो है कि 4,000 रुपये पर महीने के हिसाब से इनको जो है हम मानदेय देंगे, सरकार देगी, और 6 महीने तक ये देगी और उसके बाद जो है इनको कहीं ना कहीं बीसी सखी के रूप में नियुक्ति हर ग्राम पंचायत के हिसाब से इनको दिया जाएगा। अच्छा। और उसके फिर बाद बैंक के हिसाब से ये जितना काम करेगी उसके हिसाब से इनको कमीशन के रूप में बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा, दिया जाएगा।
तो रोजगार का लॉलीपॉप देने वालों के मुंह पर लगा है जोरदार तमाचा, और सरकार की इस योजनाएं ने रोजगार के बहुत सारे विकल्प खोल दिए हैं, जिससे बेरोजगारी का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इस योजना को अपनाइए और रोजगार योग्य बनिए, खुद एम्प्लॉयर बनिए और लोगों को नौकरियां दीजिए।